माशाल्लाह जबरदस्त। लक्षर भाई कुछ बोलो यार, आपने बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छा मौसम है गुफरान भाई, एंजॉय कर रहे हैं, मैं और वकार भाई बैठे हुए। अच्छा बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आप लोग हिस्से का कोक भी हमने रखा हुआ है। कोक रखा हुआ है, कोक रखा हुआ है आप लोगों के लिए। बैठे रहो, वो पंजाबी हमें देख कर वो भी एंजॉय कर रहे हैं। वो भी एंजॉय। वकार लकड़ी तुमने लाया? जी लकड़ी में ऊपर पहाड़ से लाया था और अच्छा। अभी हम बैठे हुए और एंजॉय करते रहे। और ये आगे रोहिल भाई। अच्छा रोहिल भाई कुछ बोलो, आपके बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त आ रहा है यार। बस बैकग्राउंड ही बनाते रहो, सांस खुल गई इतने पहाड़ों से ऊपर हमें चढ़ा लिया। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। सही। और अब फलक शेर हमें कुछ शायरी सुनाएगा आपकी तरफ से। अच्छा गाने सुन रहे हैं। बस जो भी कुछ जो भी हो सुनाओ। शायरी सुनाएगा ये? हम गाने सुन रहे। चलो व्यूअर्स, ये वाला जगह आप लोग देखें, बहुत मज़ा आ रहा है इस जगह पे। और ये बहरीन से ऊपर है, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, ये नॉर्थ का पंजाब एंड ये बहरीन का नज़ारा है। कैमरे की आंख आप देखें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम गुफरान अली है जो आप लोग जानते होंगे। और ये वाला जगह हम आए थे, दोस्त ने कहा बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंने कहा बस सही है, अब लोग इंजॉय करें इस पॉइंट को और मुझे भी। और मेरा व्लॉग्स मैं अपलोड करता हूँ डेली, आप लोग देखें मुझे सपोर्ट करें। और ये अभी मैं खड़ा हूँ बहरीन से, बहरीन के साथ आउट साइड पर, दरोलई साइड पर। और पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा है बहरीन है। और अभी सैलाब के बाद आप लोग ये नज़ारा वाला देख सकते हैं। अभी इस कैमरे में आप लोगों को दिखाता हूँ, व्लॉग सही नहीं बन रहे, पहला है। और अभी कैमरे की नज़र से आप लोग देखें बहरीन को, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें वो दरोले पुल है, इसके साथ वो सामने होटल्स है। और ये बहरीन, ये बिलाल मस्जिद, और ये वाला पुल है, दराल है, वो सामने तुरवाल प्लाजा वाला बताए। और ये देखे, और वो फलक है, फलक शेर लकड़ी लेने गया है, आज ऊपर से लकड़ी लेके आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, बस लकड़ी लेके आ रहा है। हमने यहाँ आग जलाया, अभी मौसम सर्द है इसलिए आग जलाना पड़ता है। ये इस जगह पे हमने आग जलाया है, बोन फायर हो गई है। ये वाला जगह आप लोगों को दिखाना है। और इसको मैंने लाया है, इसको लाया है मैंने। ये वो लकड़ी लेकर आ रहा है, ये मेडोज में ज़्यादा काम यही करता है। फलक इसका नाम है, इसका पोइट्री आप लोगों ने नहीं सुनी है, इसका पोइट्री बहुत ज़बरदस्त है। और ये वो कार है, दोस्तों ने माँ ने आकर दोस्तों से पूछा कहाँ है मेरा बेटा। कमीना बोला उसके घर का तवाफ कर रहा है तेरा बेटा। माँ बोली क्यों, उसके घर में कुछ खास है बेटा। कमीना भाग कर बोला तेरी बहू के पास है तेरा बेटा। मैं कहा तुम्हारा बेटा
तुम वादे से मुकर रही हो, लड़की तुम ये क्या कर रही हो? वादे का मतलब समझ रही हो या जज्बा में आकर कह रही हो? हम एक ही बात के कायल है जाना, तुम मौसम की तरह बदल रही हो। तुम हिचकिया हरकतें कर रही हो, क्यों हमें इस तरह सता रही हो? तुम तो आप ख्वाबों में आ रही हो और हमारी नींदें चुरा रही हो। तुम जो तस्वीर की बात कर रही हो, घर का आईना क्यों नहीं देख रही हो? आईना देखकर जो मुस्कुरा रही हो, तुम तो सच में पागल बना रही हो। तुम जो यार बार बार हिचकिया ले रही हो, जानते है फलक को याद कर रही हो। उसके जुल्फ का लड़ तो मजे लेता होगा, घूमता झूमता गालों को चूमता होगा। ये आंखों के पास से जो गुजरता होगा, ये तो हूबहू समंदर की सैर करता होगा। ये तो तोबा तेरे गालों पे जो पड़ता होगा, जैसे आसमां पर चांद को ही चूता होगा। जुल्फ जीते जी जन्नत में झूलता होगा, आंखों और गालों की कहानी करता होगा। जुल्फ अपनी मर्जी से शैतानी करता होगा, ये तो मेरे ही चूने का हक मारता होगा। जुल्फ भी मेरी तरह एहसास रखता होगा, ये भी तो फलक की तरह तुम पे मरता होगा।